गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मनीषा की रसोई में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की बनने वाली दाल मखनी की रेसिपी। बिकॉज मैं बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर ली जाए। तो फिर चलते हैं देर ना करते हुए इसको बनाने की तरफ। तो दाल मखनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी इस वाली दाल की। जी हाँ, ये काली वाली जो उड़द की दाल होती है वो है। तो इसको हम सबसे पहले अच्छे से वॉश करके भिगो लेंगे ओवरनाइट, या ये कह सकते हैं कि आपको इवनिंग में खानी है तो आप मॉर्निंग में इसको भिगा लीजिए। सबसे अच्छा जो इसको भिगाने का तरीका होता है वो, अगर आप चाहें तो रात में इसको भिगा के छोड़ दें, एंड सुबह या दिन में जब भी आपको बनाना हो तो आप इसे बना सकते हैं। राजमा डालना इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप ना डालें, बट इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही अच्छा होता है और अच्छा फ्लेवर देता है। ये देखिए, ये जो व्हाइट पोर्शन है ना, थोड़ा थोड़ा इसमें अलग आ जाएगा। इट मीन्स ये हमारी परफेक्ट दाल जो है वो भीगी है। मीन्स 7 से 8 घंटे कम से कम इसको भिगा देना चाहिए आप। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि भाई नहीं है हमें टाइम या जल्दी, कभी किसी के घर में गेस्ट आ रहा है, बिकॉज ये बहुत शाही डिशेस में आता है ये कह सकते हैं हम। तो आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपको भिगाना हो कम से कम 4 से 5 घंटे तो आपको इसको भिगाना ही पड़ेगा, बट पानी खौलता हुआ ले लीजिएगा और उसमें अच्छे से वॉश करके ये दाल भिगोने के लिए छोड़ दीजिएगा, तो भी परफेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, तो फिर जब भी हम इसको वॉश करें इस तरीके से आप इसको रब करते हुए वॉश करें। इससे क्या होगा ना कि दाल जो है वो अच्छी तरीके से वॉश हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको 2 से 3 बार इसका पानी जो है वो हम ड्रेन आउट कर लेते हैं। 1-2 बार मैं इसको और वॉश कर लेती हूँ, देन इसको बॉइल करने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए, मैंने जो दाल है वो अच्छे से वॉश कर ली है, एंड चलिए फिर हम इसको बॉइल कर लेते हैं। एंड इसका मैं सबसे तरीका बताती हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमें इतना ही डालना है कि हमारी जो दाल है वो इसमें अच्छे से डूब जाए। ये लीजिए, ये है इसका सही तरीका नाप का। मींस जिसमें भी आपने दाल भिगोई है अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए, एंड ये देखिए हमारी जो दालें हैं वो अच्छे से इसमें डूब रही है। तो ये सारा का सारा हम इसमें डाल देते हैं, इतना ही पानी हमें रखना है। इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के जितना खाने वाला नमक, एंड इसके साथ साथ हम डालेंगे इसमें 1 क्यूब ऑफ बटर। इससे क्या होगा कि जब ये हमारी दाल जो बॉइल्ड होगी उसे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है, तो इसीलिए मैं जब भी इस दाल को बनाती हूँ तो मैं इसी टाइम पे डाल देती हूँ, एक अच्छे रिजल्ट के लिए। आप चाहें तो इस तरीके से एक बार ट्राई करके भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इसमें मोटी वाली जो हमारी इलायची होती है खाने वाले अच्छे फ्लेवर के लिए वो डाल दिया, एंड इसका ढक्कन लगाया, एंड इसको हम बॉइल्ड होने के लिए रख देते हैं। कम से कम हमें 4 से 5 सीटी इसमें लगानी है ताकि हमारी जो दाल है वो अच्छी तरीके से पिघल जाए, बॉइल्ड होके अच्छे से बॉइल्ड हो जाए। तो फिर चलते हैं इसको बॉइल्ड होके, फिर हम आगे के प्रोसेसर में चलते हैं इसको बनाने के लिए। ये देखिए, गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है, इसके साथ साथ मैंने दाल को जो है वो बॉइल्ड होने के लिए रख दिया है। जैसे इसमें 4 से 5 सीटी लग जाएगी मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी, एंड फिर हम आगे इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। हमारे जो दाल है उसमें वो अच्छे से पक चुकी है, तो ये देखिए आई मैं आपको दिखाती हूँ। एंड हमने जो इसमें मक्खन डाला था ना उससे जो इसका जो ये पानी है वो भी बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर दे रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी दाल जो है वो हमें कितने गलानी है। ये देखिए 5 सीटी में बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो दाल है वो गल चुकी है। आइए मैं इसको आपको ये देखिए, तो फिर हम देर ना करते हुए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। तो गैस का फ्लेम जो है वो मैंने ऑन कर लिया है, एंड इसके ऊपर मैंने कढ़ाई रख दिया। आप जिस भी बर्तन में इसको बनाना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। इसके साथ सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1 स्पून के जितना ऑयल। बेसिकली इसका जो तड़का है वो पूरा मक्खन में ही लगता है, बट कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा मक्खन नहीं खाना चाहते हैं, या ये कह सकते हैं हम कि उनको कंप्लीटली मक्खन में नहीं बनाना है, तो हम इसे मिक्स करके भी बना सकते हैं। और इसके बाद अब मैं डालूंगी इसमें 1 स्पून या 1 क्यूब बटर। इससे क्या होगा ना कि जब हमारा जो बटर, अगर हम सिंपली बटर डालेंगे और बटर में अगर तड़का लगाते हैं तो बटर जल जाती है, बट अगर हम मिक्स करके डालेंगे
ऑयल एंड बटर, तो उसमें क्या होगा कि जलने के चांसेस कम रहते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो नहीं जलेगा। तो इसको हम एक बार गरम कर लेते हैं। जैसे ये गरम होगा, अगर आपको हींग का तड़का लगाना है या आप हींग पसंद करते हैं तो आप इसमें हींग भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे तो हींग का तड़का, मतलब मैं तो जहां जहां यूज हो सकता है सब जगह हींग मोस्टली डाल ही देती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के जितना हींग। तो अभी जैसे मेरा जो बटर है वो ऑलमोस्ट मेल्ट हो रहा है, एंड ये इस तरीके से कलर वाइट इसलिए भी हो रहा है बिकॉज मेरा जो बटर है वो घर का बटर है, मैंने खुद बनाया हुआ है इस वजह से। तो ये गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के जितना हींग। एंड इसके साथ साथ ये मैंने कम से कम 7 से 8 जो लहसुन की कलियां हैं वो कद्दूकस कर लिए। आप चाहें तो इसे मोटा मोटा कट भी कर सकते हैं या बारीक कट भी कर सकते हैं, बट आप ये अगर चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये जो दाल होती है ना वो बहुत गर्म होती है, जो उड़द की दाल होती है वो गर्म होती है, हालांकि लहसुन भी हमारा गर्म होता है, बट ये दोनों को बैलेंस करता है। तो डाइजेशन में भी हमारा जो लहसुन होता है वो काफ़ी फायदेमंद होता है। तो इसीलिए जब भी इस दाल का यूज़ करें तो इसमें गार्लिक का यूज़ ज़रूर करें, बट अगर आप नहीं खाते हैं गार्लिक तो आप अवॉइड कर सकते हैं। चला लेते हैं, थोड़ा सा पका लेते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून के जितना लाल मिर्च, कश्मीरी जो मिर्च आती है ना कलर वाली वो। इसके साथ साथ ये मैंने कुछ मसाले हैं जो वो एक ही साथ मिक्स कर लिए, एंड सारा 1 टीस्पून का मैंने इसमें मेजरमेंट लिया है। हल्दी, धनिया एंड गरम मसाला, उसके साथ साथ मैंने इसमें जो लिया है लाल मिर्च पाउडर, या तो ये भी मैं इसी टाइम पे डाल दूंगी और इसको अच्छे से चला लेंगे। या इसके साथ साथ अब मैं डालती हूँ इसमें ये टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी मैंने 2 बड़े टमाटर को कट करके पीस के छान लिया था, बिकॉज क्या होता है कभी कभी उसके जो मोटे मोटे बीज होते हैं या छिलके जो होते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप दाल, या आप चाहते हैं कि भाई मतलब कि उसके जो छिलके वो मुंह में ना आए, पानी बॉईल कीजिए एंड उसमें टमाटर को डाल के उसके जो छिलके हैं वो उसके छिलके हटा के देन आप पीस सकते हैं। उससे क्या होगा कि उसके छिलके, कभी कभी होता है कि मिक्सी में नहीं पीस पाते हैं ढंग से, नहीं पीसते हैं तो वो मुंह में आते हैं। तो मैंने उन टमाटर की जो प्यूरी है उसको एक बार अच्छे से छान लिया था, एंड उसके बाद मैंने इसमें यूज़ किया है। तो इसमें हम इसको अच्छे से पका लेंगे, एंड इसके साथ साथ इसमें जाएगा नमक। नमक जो है वो स्वाद अनुसार रखेंगे, जैसा कि हमने बॉईल किया था तब भी नमक डाला था, एंड मक्खन जो होता है उसमें भी नमक होता है, चाहे वो घर का ही मक्खन क्यों ना हो। बिकॉज कभी कभी हमारे माइंड में ये आ ही जाता है कि भाई थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, या मोस्टली मैं तो डालती हूँ, बट कुछ लोग होते हैं जो नहीं डालते हैं, तो उसका ध्यान रहे मक्खन का। अगर आप बाजार का मक्खन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वो काफ़ी सॉल्टी होता है, तो वो ध्यान रहे, और उसको ध्यान में रखते हुए ही आप नमक इसमें डालना है। अब इसको एक उबाल आने तक हम पकाएंगे। मीन्स ये कह सकते हैं कि हमारी जस्ट 10 मिनट में ये जो दाल है वो बन के कम्प्लीट हो जाती है। कम्प्लीट इन द सेंस कि बेसिक अगर हम लोग अच्छे से बॉयल कर लें एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसमें उबाल आ चुका है, अब हम इसमें डालेंगे अपनी दाल जो हमने बॉयल की थी। इसी बीच में मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा और बटर। भाई अब दाल मखनी है तो ऑब्वियस ही बात है कि हम इसमें बटर का यूज़ तो करेंगे ही। अब हम इसी तरीके से इसको पकने देंगे, एंड इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं ताकि ये और जल्दी पक जाए। इसी तरीके से आप लो टू मीडियम गैस की फ्लेम रख लीजिएगा एंड इसको पकने दीजिएगा कम से कम 5 से 7 मिनट। तो गाइस कम से कम 5 से 7 मिनट हो चुके हैं मेरी जो दाल है वो बॉइल्ड होते हुए। तो आइए हम इसका ढक्कन हटाते हैं। वाओ, ये देखिए इसमें काफ़ी हद तक जो है वो पानी सूख चुका है, उसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बिकॉज हमने मक्खन का यूज़ किया है ना इस वजह से। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, ये देखिए। तो अब हम इसको हल्के हल्के इसी तरीके से किसी भी करछी या पटेटो मैसर या कुछ भी गैस का फ्लेम जो है उसे लो करके आप इस तरीके से मैश करें, बिकॉज ये जो दाल होती है ना वो बिल्कुल पूरी तरीके से खड़ी खड़ी नहीं अच्छी लगती है, तो इसीलिए इसको हम हल्के हल्के से इस तरीके से मैश करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी ये गाढ़ी हो चुकी है, एंड इसमें मक्खन डला है। तो अभी ये बनने के बाद, या ये कह सकते हैं हम कि फ्रिज में जाने के बाद अगर ठंडा आप करते हैं तो उसके बाद भी ये और गाढ़ी होती है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, बिकॉज जब ये ठंडी होगी ना उसके बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी।
इसी टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा बटर और डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसको इस तरीके से एक बार चला देते हैं। दाल हमारी ऑलमोस्ट बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, जिससे कि इसका फ्लेवर जो है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होता है। मैंने इस तरीके से लिया और हाथ में इस तरीके से रब करते हुए हम डाल देंगे। इसको इस तरीके से एक बार चला देंगे। गैस की जो फ्लेम है उसको मैं बंद कर देती हूँ। अब इसमें जाएगा थोड़ी सी मलाई। मेरे पास ये कुछ थोड़ी सी मलाई है जो मैंने आज ही ताज़े दूध से बनाई थी। जी हाँ, आपके पास जो भी दूध आता है उसकी जो मलाई जम जाती है, आप उसको छन्नी में छानकर उसकी मलाई बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिन की रखी हुई मलाई को ना यूज़ करें, एक से दो दिन के दूध की बची हुई मलाई का ही इसमें यूज़ करें। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो दाल है वो बन चुकी है। मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, लग रही है ना एकदम ज़बरदस्त। तो चलिए फिर चलते हैं इसको सर्व करने की तरफ। तो ये देखिए, हमने सर्विंग बाउल में डाल भी ली है अपनी दाल मखनी को। तो आइए हम इसे सबसे पहले गार्निश करते हैं। ये मैंने कुछ जो अदरक होती है उसको पतला पतला कट कर लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आप किस किस तरीके से गार्निश करना चाहते हैं। तो ये हम थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे। आप चाहें तो जब ये पक रही हो उस टाइम पे भी डाल सकते हैं, या फिर इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ ये जो मैंने मलाई बनाई थी घर की, वो उससे हम लोग गार्निश करेंगे। अब दाल मखनी है तो ऊपर से थोड़ा सा बटर डाल दिया। ये लीजिए, हमारी जो दाल मखनी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो फिर चलते हैं इसको सर्व करने की तरफ। ये देखिए गाइस, हमारी जो दाल मखनी है वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है खाने एंड सर्व करने के लिए। एंड इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। मैं जा रही हूँ इसको सर्व एंड खाने के लिए भी। तो देख क्या रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप भी बनाइए दाल मखनी अपने घर में, और साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी खिलाइए। एंड मेरी वीडियो को लाइक करना प्लीज ना भूलें। उसके साथ साथ मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।